सो गाइज आज हमारे पास है TVS Jupiter जो कि सेकेंड टॉप वेरिएंट आप देख सकते हैं और मोस्ट डिमांडिंग कलर जो मतलब TVS का जो TVS Jupiter 110 लॉन्च हुई है सबसे मतलब स्लिक डिज़ाइन इसी का आपको लगता है जो इसका कलर है यही कलर आई काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग लगता है। हालांकि और कलर है जो मुझे पर्सनली मैं बताऊँ ये कलर काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। इस वीडियो में भाई बात करेंगे इस TVS Jupiter 110 का डिटेल वॉकराउंड और ये अपने पास किक वाली वेरिएंट है मतलब कि आप समझ सकते हो जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इसमें किक नहीं आती है तो सही चीज़ मैं डाउट क्लियर किया था बट अभी इस कलर के साथ आपको सारी डिटेल बात करेंगे इस वीडियो के साथ। ये आप देखोगे ये इनकी की मिल जाती है थोड़ी सी इसमें की में आपको चेंजेस नज़र आएगी और हम कर देते हैं भाई यहाँ इसको लगा देते हैं। अब इसमें देखोगे भाई ये जो आप ओवरऑल देख पा रहे हो इसमें आप देखने के बाद एक बार नोटिस करोगे आपको थोड़ा सा टाटा नेक्सॉन वाली जो टाटा ने जो लाइट अभी इंट्रोड्यूस किया है ये कनेक्टेड वाली वो वाली फील आपको सामने से आएगी। पीछे भी मैं दिखाऊंगा क्या कुछ है वो आप देख पाओगे बट अभी देखोगे सामने से आपको कुछ इस तरीके से इसका LED लाइट आप देख पाओगे। अगर मैं पीछे दिखाऊं तो आप पीछे देखो भाई ये जो लाइट है भाई काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं आप देखो एक बार। अभी ये ब्रेक नहीं दबा ब्रेक दबेगा तो और लगेगा और इसमें कुछ खास फीचर हैं वो दिखाता हूँ भाई। सबसे पहले इसमें हजार्ड का बटन दिया गया है तो इसको जैसे मैं 4 सेकंड तक प्रेस करूँगा तो ये इसका इंडिकेटर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जलता हुआ दिखेगा और जो इनबिल्ड है इसके इसी बल्ब के साथ आप देखोगे काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं नो डाउट काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं यहाँ से। और वही चीज़ें मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ आप देखो भाई इसका टेल लाइट ओवरऑल टेल लाइट देखो कैसी लग रही है गजब से लगते हैं इस टेल लाइट के साथ। और इसी लाइट में आपको एक फीचर और आपको मिलता है कि आप अगर आप टर्न इंडिकेटर लगा दिए हो जैसे कि क्या होता है अभी मैं इंडिकेटर लगा दिया ठीक एक मिनट इसको इंडिकेटर लगा दिया ठीक अभी इंडिकेटर लगा दिया 100 मीटर या फिर 20 सेकंड तक इसको मैं बंद नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसका इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। ये काफ़ी कमाल की फीचर इसके साथ दी गई है जो कहीं ना कहीं काफ़ी सही हो जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सारी फीचर आपको इसमें मिल जाती है। और इसके जो इनके ऐप है कनेक्ट TVS कनेक्ट के साथ इसमें काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं अभी आप देखोगे सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे ये हॉर्स का आपको लोगो मिल जाता है सिल्वर तरीके से और ये अपना मिल जाएगा इस तरीके से इसका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ और यहाँ पे इसका फुली LED टेक लाइट मिल जाती है। इसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार कले से दबाता हूँ ये लो भाई ये आप देखो इसका लाइट आप देखो काफ़ी ब्राइट लाइट आपको दी गई है और इस तरीके से आपको लाइट मिल जाती है। और फ्रंट से देखोगे तो आप देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आप देख सकते हैं। और ये चीज़ आपको यहाँ पे अगर आप बेस मटेरियल लोगे तो आपको हैलोजन लाइट मिलेगी हैलोजन इंडिकेटर मिलेगी और यहाँ पर ये लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप बेस वेरियंट लेते हो तो मतलब टॉप वेरियंट या फिर सेकेंड वेरियंट में आपको इस तरीके से मिल जाती बेस वेरियंट पर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको डिस्क नहीं मिलता है इसी में इसका एक आता है डिस्क वाला वेरिएंट वो आप देख पाओगे लेकिन डिस्क वाले वेरिएंट में आप देखोगे एक आपको जो आपको मिलता है भाई टॉप वेरिएंट जिसमें डिस्क है उसमें आपको किक नहीं मिलती है। आप देखो भाई इसमें किक वाला ऑप्शन भी आ गया तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सही हो जाती हैं। बाकी एक बार मैं गाड़ी ऑन एक बार मैं साउंड सुनाता हूँ नॉर्मल साउंड अभी आपको आ रहा मैं रेस नहीं कर रहा हूँ फिर आप देख सकते हो इस तरीके से नॉर्मल साउंड आ रहा है तो इस तरीके से इसका साउंड आपको देख लीजिए। और साइड से मैं बात करूं तो ओवरऑल ये है इसका खूबसूरत सा साउंड आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने दिखाया। अभी इसका भाई लाइट देखो और ये साइड से पोर्शन देखो कैसी लग रही है गजब का लुक आपको यहाँ से निकल के आता है। मेन स्टैंड साइड स्टैंड दोनों मिल जाते हैं इस स्कूटर के साथ और साइड में देखोगे तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और इसमें हालाँकि सिलेंडर नहीं आ सकता लेकिन कैन बॉटल जो आता नहीं है पानी का वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रिपिंग की गई है और इसी के अंदर भाई फ्यूल टैंक जो है वो दिया गया है क्योंकि पहले आता था यहाँ पे फ्यूल टैंक वहाँ से हटा के अब वहाँ रख दिया गया है ये आप देख सकते हैं TVS E20 पेट्रोल का सपोर्ट के साथ और यही जो टैंक है इधर से आके यहाँ पे रखी गई है। तो इसका क्या पर्पज़ था अभी मैं बताता हूँ वो देखो भाई ये जो बड़ी सीट आपको दिख रही है जुपिटर की ये आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक बार मैं इसके सीट को यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगी और ये देखो भाई इसमें डुअल फेस हेलमेट आप रख पाओगे आप देख तरीके से देख सकते हैं। और 33 लीटर का बूट स्पेस
ये ऑफर करती है, और इसमें आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं, अगर मैं बैठ के दिखाऊँ तो आप देखोगे सीट काफ़ी सॉफ्ट है, और ये आप स्ट्रेचिंग देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है साइड साइड से। और आगे बढ़ोगे तो ये आप देखो कि मैंने दिखाई दिया, यहाँ पे आप देखो इनकी मोबाइल चार्जिंग दी गई है, और यहाँ पे स्पेस दिया गया तो आप कुछ भी सामान यहाँ पे रख सकते हो। और ये है लगेज हुक, तो यहाँ पे आपको दिया गया, यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे कोई लगेज हुक नहीं मिलता है भाई। और एक बार मैं फ्यूल टैंक को ओपन करूँ तो यहाँ से आपको दबा के ऐसे रखना है, दबाओगे तो ये अपना टैंक ओपन हो जाएगा जो कि 5.1 लीटर के साथ है। और कई लोग माइलेज की बात कर रहे थे कि इसमें माइलेज क्या मिल जाएगी, तो इसकी जो माइलेज है आपको 45 से 50 के बीच में आपको इजीली से मिल जाएगा। तो माइलेज की सारी चीज़ें बता दी है। अब बात आ जाती है कि इसकी प्राइस की, जो इसकी प्राइस है भाई वो आपको 73,700 से एक्सोरूम स्टार्ट हो जाती है, ऑन रोड जाता है भाई। एक्सोरूम टॉप मॉडल की जाती है 87,250, लेकिन ये वाला वेरियंट की अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें 104,000, जो कि क्रिसेंडो TVS लखनऊ देवा रोड मटियाई चौराहे मिल जाएगा। बाकी क्वान्टिटी सामने मिल जाता है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कुछ फीचर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ से, तो आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे ये TVS का आप देख सकते हैं काफ़ी गजब सा यहाँ पे इनका लोगो दिया गया है, और फुट पैक देखोगे इस तरीके से दी गई हैं, और ये जो क्वालिटी देखोगे काफ़ी सही से लगते हैं यहाँ से फाइबर सब कुछ। और ये आपको मेटल मिल जाएगी, ठीक, ये मेटल मिल जाएगी, फाइबर ये मेटल मिल जाएगी, तो ये सही चीज़ आप देख पाओगे। और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है फ्रंट में, 90 के टायर मिल जाता है, आप देख सकते हैं 90 के टायर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे दी गई है इस तरीके से। और ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, आप देख सकते हैं कितना ग्राउंड क्लियरेंस है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साइड से मैं बात करूँ रियर प्रोफाइल की, तो रियर टायर की तो सेम टायर आई थिंक मिलते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई। अच्छा भाई कहाँ गया, ट्यूबलेस के साथ आते हैं, और भाई साहब कहाँ चला गया, ये देखो भाई 90 के टायर सेम टायर में बोल रहा था वही आते हैं। बाकी एग्जॉस्ट मैंने दिखा दिया कैसा कुछ लग रहा है, साइड पे देखोगे साइड पे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ इनका ये आपको मिल जाता है ग्रेबियल, और ग्रेबियल काफ़ी स्टकी है, TVS का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, और इस तरीके से इनका ग्लॉसी पैनल के साथ। बाकी यहाँ पे फाइबर दिया गया, नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर दिया जाएगा, यहाँ पे नंबर प्लेट हो जाएगा, तो सारी चीज़ आपको यहाँ से होगी। अभी क्या करते हैं इनके सीट सारी चीज़ें मैंने बता दिया, और एक चीज़ और देखो यहाँ पे मोटर और सस्पेंशन देख सकते हो इस तरीके से, जो पावर प्रोड्यूस करता है 8.02 PS की पावर। टॉर्क की बात करोगे 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ जाएगा, और ये टॉर्क 0.6 जो बढ़ के मिलेगा, और ये इनका इंटेलिगो TVS आईगो असिस्ट करके फीचर आता है, उससे आपको 0.6 का टॉर्क आपको बढ़ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सही चीज़ है। बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनके मीटर पे, मीटर पे दिखाने से पहले ये आपको सेफ्टी लॉक के लिए ब्रेक लॉक कर सकते हो यहाँ से, और इंडिकेटर के लिए यहाँ पे दी गई है, ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से, और ये पास के लिए दिया गया है, और ये हॉर्न के लिए। एक बार ऑन करता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ इनका डिजिटल मीटर, और ये इस मीटर में आपको काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, हेलो राइडर जैसे दिया गया, और यहाँ पे देखो टाइमिंग के लिए, और एक बार नोटिस करो अभी काफ़ी कुछ कलर आपको नज़र आएंगे, ये देखो सब कुछ नोटिफिकेशन एक सिंगल के साथ आ जाती है, स्पीड कितना है, टाइमिंग कितना है, गियर रेंज कितना है, फ्यूल के लिए कितना है। और इसी में अगर आप इसके लॉन्ग प्रेस करके रखोगे दो मोड मिल जाते हैं मोड और सेट का, तो इसमें एक ब्राइटनेस सेट करने का भी ऑप्शन आता है, ये देखो भाई ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर आपको इस TVS जुपिटर 110 में मिल जाती है। और यहाँ पे ऑटो, ये देखो अभी ये का बटन मिल जाएगा, ऑटो इंटेलिगो फीचर आपको ऑन ऑफ कर सकते हो, और अगर आप बेस वेरिएंट लोगे तो आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच टाइप का मिल जाएगा, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। और ये एक फीचर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेल्फ का बटन, और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का आपको लोगो दिख रहा होगा, तो इसको आप जब कनेक्ट किए रहोगे मोबाइल से, इसको दबा के रखोगे तो यहाँ पे ये इसको वॉइस कमांड भी दे सकते हो। तो ये फीचर्स कैसी लगी, ये सारी चीज़ आपको कैसी लगी तो आप देख सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया इस नई TVS जुपिटर के डिटेल वॉक अराउंड की, जैसे कि मैंने सब कुछ बताया, इसमें प्राइस की बता दिया, इसके फीचर की बता दिया, और कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाता तो वो कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं, जिससे आप ये सारी चीज़ें मैं डिटेल कर दूंगा। बाकी ये था आज के लिए वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी और बेहतरीन और शानदार सी वीडियो देखने को सब्सक्राइब करें भाई।